without you. I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continued to walk. हेलो, गुड मॉर्निंग. मैं हूं प्रभात शर्मा और आप देख रहे हैं मैन वर्सेस थ्रॉटल. जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा कि हम लोग नाकों में स्टे किया हम लोगों ने, और अच्छा खासा फ्रेश हो गए हैं. रात बहुत ठंड थी लेकिन कमरे इतने गर्म थे कि हमें इतने महसूस नहीं हुआ. बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हवाएँ चल रही थी. ऑलमोस्ट 11:15 हो गए हैं. ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है तो हम लोग अब यहाँ से डायरेक्ट गाज़ा की तरफ निकल रहे हैं. हम ताबो को जो भी कुछ होगा वहाँ पर साइट सीइंग जो भी होगी वो लोग वो हम करेंगे, और हम फिर डायरेक्ट उसके बाद डायरेक्ट काज़ा की तरफ निकलेंगे. तो उम्मीद करते हैं कि काज़ा हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं तो 4-4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे. और काज़ा पहुँच के हमने वहाँ ऑलरेडी बुकिंग कर दी है, स्टे करते हैं. 2 दिन का हमारा प्रोग्राम है काज़ा का, और देखते हैं. तो मिलते हैं आपसे रास्ते में. Myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar. Hello again. So, उम्मीद है आपको रूट पसंद आया होगा. अभी हम आ गए हैं समदो में, जो कि नाको से कोई 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. और जब आप नाको से निकलेंगे तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का रूट बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल रोड नहीं है. और लेकिन 10 किलोमीटर के बाद रूट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा रूट है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. तो जैसे आप घाटी से ऊपर चढ़ के आएंगे बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे आपको, आपका दिल खुश हो जाएगा. और उसके बाद जो है आप समदो में, समदो एक यहाँ पे जगह है, वहाँ पे पूरा घाटी में है ये पूरा जो प्लेस है. आप नीचे जब आएंगे तो वहाँ पे ITBP की बटालियन वगैरह हैं, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं. यहाँ पे आपको अपनी एंट्री करानी है गाड़ी की, कितने बंदे हैं टोटल और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन चला रहा है, फ़ोन नंबर, तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी ज़रूरी है. और ये हर जगह है. जब आप नाको के लिए जाएंगे तब भी है, आप सांगला में एंटर करेंगे, सांगला के रूट पे जाएंगे तो कम से कम आपको 3 से 4 बार जो है एंट्रीज करानी पड़ेंगी हर बार इसी तरीके से. कोई रजिस्टर में करेगा, कोई फ़ोन में करेगा, पुलिस वाला ही करेगा ये, ठीक है. बहुत ज़्यादा धूप है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है एक्चुअली में, क्योंकि हाइट पर भी है. और आप देख रहे हो पहाड़ वगैरह, हवा चल रही है काफ़ी तेज़ है, ठंडी नहीं है हवा, गर्म है, धूप भी गर्म है. और कोशिश करें कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं, बाइक पे आते हैं या कार में आते हैं, किसी भी तरीके से आते हैं, आप एक कैप ज़रूर रखें. मेरे पास नहीं है कैप, तो मेरा पूरा टैनिंग हो चुका है, यहाँ पूरा ब्लैक हो गया है, तो आप ज़रूर रखें. बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि उनको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है. प्यास लगती रहेगी, होठ सूखते रहेंगे, होठ फट भी जाएंगे, हमारे भी होठ थोड़े थोड़े फटने शुरू हो गए हैं.
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। और जब चाय पीते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से काज़ा हमारा जो है 78 किलोमीटर्स है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी जल्दी टैबो पहचे और वहाँ पे पहुँच कर जो भी हमारे साइट सींग है उसको कंप्लीट करें। 5:30 बजे 6 बजे मेरी कॉल स्टार्ट हो जाएगी, तो हम लोगों को किसी भी तरीके से काज़ा पहुँचना ही है, या फिर नेटवर्क में तो आना ही आना है कि अगर मुझे बैठे बैठे भी कुछ अगर अपना लॉगिन वगैरह करना पड़ा तो ठीक है, चाय पीते हैं। और उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चाय पीने से पहले मैं आपको ज़रा लोकेशन दिखा देता हूँ कि हम कहाँ हैं, जहाँ पर हमने एंट्री कराई है। और ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इरीगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 2 किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सुमदो। जब आप एक पर्टिकुलर विलेज या छोटा सा भी जो टाउन है, बहुत छोटा सा टाउन है, ठीक है, उससे निकलते हैं तो दूसरे टाउन में ऑलमोस्ट 25 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ बीहड़ बंजर ज़मीन। फ़िलहाल हम जिस घाटी में हैं वो तो बंजर बंजर है, कुछ नहीं है बीचों बीच। तो ये था व्यू। अब चाय पीते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है। भाई साहब हमारी चाय, चलो डाली दो फिर। हिमांकु जी ने अपने हाथों से चाय बनाई है, देखते हैं कैसी चाय है। सुबह तो अच्छी थी, अभी ठंडी हुई नहीं हुई, देखते हैं। बोल रहे तूने बनाई है? अच्छा, मैं अपनी तारीफ करूँगा, अच्छा लगूँगा। हाँ जी, पहुँच गए हम ताबों। दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ पहाड़ियाँ, और वो उस पहाड़ी के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड है। एक्चुअली में ये हेलीपैड है, यहाँ पे आप देखो एच लिखा हुआ है, तो हम यहाँ हेलीपैड पे उतर गए। हेलीकॉप्टर में नहीं, अपनी बुलेरो में उतरे। और अब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। सो दिस इज़ गोल्डन टेम्पल, आ गए हम लोग। देखिए सो दिस इज ताबो, दिस इज ताबो मॉनेस्ट्री है ये, ज़बरदस्त। सारी मॉनेस्ट्रीज तो खैर अच्छी होती है, नो डाउट। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं शॉप में, लेंगे। अरे थोड़ा एक्सपेंसिव बता रही हैं, 150 रुपये का छोटा सा, 350 का भी वो छोटा सा ही है। टैबो मॉनेस्ट्री, पुरानी वाली ओल्ड मॉनेस्ट्री, ये देखिए।
जो आपने अभी जो है क्लिप देखी छोटी सी, ये पूरी मॉनेस्ट्री है, एक नई मॉनेस्ट्री है जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी, और ये जस्ट उसके पीछे है जो पुरानी मॉनेस्ट्री है। और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि इसको कहा जाता है ताबो मॉनेस्ट्री। आप देख सकते हैं ये सीमेंट की नहीं बनी हुई है, ये सारी की सारी जो यहाँ के लोकल जो पत्थर हैं, मिट्टी है, ठीक है, और घास फूस जो है इकट्ठी है, उससे इसकी छतें, दीवारें वगैरह सब बनाई गई हैं। और जहाँ तक कि इन सब चीज़ों का आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये बारिश होते ही ये पूरा जो है ढहना शुरू हो जाता है। यस, एंड यू हैव टू मेक इट अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट। सो इट्स अ वेरी टीडियस एंड वेरी हार्ड जॉब फॉर ऑल द पीपल हु आर लिविंग एंड हु आर टेकिंग केयर ऑफ मॉनेस्ट्री। उनको ये पूरा मेंटेन करना है। तो ये 996 CE से आज तक ऐसे ही अच्छे तरीके से मेंटेन की जा रही है। काफ़ी कुछ देखने लायक है यहाँ पे, आप आइए, कम से कम एक दो घंटा तो देख जाइए इस टेम्पल को। हमारे पास तो वक्त नहीं, इसलिए हम निकलते हैं। और हमसे छोटी सी गलती ये हो गई कि हम लोग जो गुई विलेज में एक मम्मी है 500 ईयर्स ओल्ड, उसको हम छोड़ आए। हमसे गलती हुई, हमने सोचा ये ताबो में है, तो हम वापस वहीं जा रहे हैं और जाके हम आपसे वहीं गुई विलेज में मिलते हैं सर। तो रास्ते में जो है एक गाड़ी है ख़राब थी, भाई साहब ने हाथ दे के रोका, हमने कहा क्या बात हो गई, तो कुछ ऑयल फिल्टर में कुछ प्रॉब्लम थी इनके, मतलब प्लास नहीं था इनके पास, तो हमने कहा चलो सेवा करने का मौका मिला है, कर देते हैं। प्लास तो हम सब लेकर ही चलते हैं, तो ऑल दो 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे, बट ठीक है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, फैमिली के साथ है, तो और बीहड़ में है, वीरान में है, तो जल्दी जल्दी कोई सहायता मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है। हम तो जा रहे थे वापस रिवर्स लामा टेम्पल, जो हमसे छूट गया सुमदो में, तो अब देखते हैं इनकी गाड़ी कितनी देर लगाएगी ठीक होने में, वैसे तो 5-10 मिनट लगेगा। करो बैग चलो हो गया जी, चलो बढ़िया है। अरे सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। चलिए ठीक है भैया, ओके जी, हो गया सर का काम। 10 मिनट की बात थी, बेचारे 1 घंटे से खड़े थे और कोई गाड़ी नहीं रोक रही थी और किसी के पास प्लास नहीं था, तो हम अच्छा हुआ हिमांकुश भाई औजार वगैरह लेके चले, काम आ गया, फैमिली के काम आ गया, खुशी हो रही है, मदद करके तो खुशी होती है। चलिए निकलते हैं जल्दी से लामा टेम्पल। तो फाइनली हम लोग 500 ईयर्स ओल्ड मम्मी जहाँ पर है उस जगह पर आ गए हैं, और इस जगह को बोलते हैं गियू, कुछ बोलते हैं गुई, कुछ बोलते हैं जुई, बट असल में इसका जो नाम है वो है गियू टेम्पल। तो यहाँ पे कहते हैं कि 500 साल पुरानी मम्मी रखी हुई है, तो अभी हम वही देखते हैं। और काफ़ी लेट हो गए क्योंकि 8 किलोमीटर अंदर आके है इसका रास्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही टूटा हुआ है और ऊंचाई पर भी है थोड़ा सा। तो जी ये आ गए हम, बिल्कुल यहीं आके रोकी हमने गाड़ी, अब चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए सामने का व्यू, जबरदस्त व्यू है। कुछ लोग इसको चमत्कार कहेंगे, कुछ लोग इसको बकवास कहेंगे, कुछ लोग इसको संयोग कहेंगे, बट कुछ लोग इसको आस्था का भी प्रतीक मानेंगे। आप क्या मानते हैं ये आपकी खुद की समझ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे की संस्कृति का आदर करना ही सबसे बड़ी बात है, नो मैटर उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, क्या नेचुरल रीज़न है, हमें नहीं पता ना, हमें कोई बता सकता है, क्योंकि हम पास्ट में या हिस्ट्री में जाके तो कोई चीज़ पता लगा नहीं सकते। द ओनली थिंग विच वी कैन सी इज़ यहाँ अभी प्रेजेंट में क्या है और लोगों की क्या आस्था है उस प्रतीक के रूप में। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं इन 500 साल पुरानी मम्मी की, जो ध्यान अवस्था में ही बैठी है ऐसे ही,
और इसी प्रकार से उनको खोजा गया था।